ये सरकार जी निरपक्ष जी मतलब पंजाब के नाल विचकरा करके पंजाब नूं थल्ले लाउणा चाहुंदी आ ते ये सरकारां भुल जाण ये सिख कौम जी आ ये गुरु महाराज सच्चे पातशाह दी साझी हुई कौम आ, एक वक्री कौम आ। इस कौम नूं ना कोई नौला जम्मिया ते ना नवाई सकदा, ना ये नवीं ते ना निभूगी, ये सदा चढ़दी कला रहूगी। जिन चंगे ते माड़े आउंदे रहिंदे आ उहदी वी कोई गल नहीं। ये सरकार भुल जावे कि उठ के चले जाणगे, जिन्ना चिर साडे बंदी सिंह साडे कौम दे हीरे बाहर नहीं आउंदे उन्ना चिर असीं डटे आ, डट के रहांगे। अंत जे सरकार सानू बिल्कुल जलील करूगी तो फिर साडा श्री साहब के हाथ भी जाऊगा। मोर्चे दे विच लगातार हाजरियां वास्ते जां गवर्नमेंट नूं प्रेशराइज़ करन वास्ते किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां दी लोड़ नज़र आउंदी है? जदों पंजी सानू लीडर तों मार पैंदी आ, जनता पूरा साथ दिंदी आ, जनता लोग घाट नहीं, ना तो सेवा की घाट आ, ना पैसे की घाट आ, ना अन्न पानी की घाट आ। पता नहीं हो माया वेख के डिग पैंदे आ कि सरकार का प्रेशर बन जाता। वह जे साड़ियां लत्तां पार नहीं चलदियां सानू मोर्चा नहीं लाना चाहिए, जे मोर्चा लाता सानू फतह करना चाहिए। ये साड़ी सच्चे पातशाह सानू हुक्म आ। TV84 दे नाल जुड़े हो, मैं रजिंदर सिंह सवराज। गल की जाए तो कौमी इंसाफ मोर्चे दे विच फिर मुड़ तो अज एक वड्डी रौनक लगी है, क्योंकि शहीदां दी पावन धरती श्री फतेहगढ़ साहब तो एक वड्डा मार्च जिहड़ा एक श्री फतेहगढ़ साहब तो चलता है, वो YPS चौंक मोहाली ते चंडीगढ़ दीआं सरहद्दां दे उपर पुजदा है। तो इसे नूं लैके गलबात करांगे। पहले दिन तो मोर्चे दे विच डटे हुए ते अज तक उस सिरड़ दे नाल इस मोर्चे दे विच ताक जमा के बैठे हुए ने बजुर्ग बाबा बापू संतोख सिंह, जिन्हां ने दिल्ली दे मोर्चे दरम्यान भी अपनी वड्डी भूमिका निभाई सी। उन्हां दे नाल गलबात करांगे और लगातार तकरीबन एक साल का समा उन्होंने इस मोर्चे के हो चुका है। बापू जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी खालसा वाहे फतेह जी। बापू जी किवें देखते हो जिस तरीके दे नाल मोर्चे दे विच लंबे समय बाद रौनक मुड़ तो दोबारा आईया ने, किवें देखते हो जी अज के दिन? ये अज जिहड़ा मोर्चा लगा वा 7 जनवरी तो लगा ही, ये 2 महीने हाजरी नहीं भरी, आखिर ठीक नहीं सी। उस बाद इतने ही पर मोर्चे के ला चढ़ा जोड़े मोर्चे है ना, इन्होंने सदा ही आते हूँ भी वो ला चढ़ाए। अज महाराज की बड़ी कृपा, पहला 7 तरीक ना बड़ा व्डा घट से महाराज कृपा ही, अज हूँ फिर ज्योति स्वरूप तो जोड़ा मोर्चा साडा अपना काफिला आ रहा आ, बहुत व्डा काफिला आ। ये मोर्चे का संबंध तो यह भी सानू सरकार वालों हर वेले ये मोर्चे लाने पैंदे आ, तो ये सरकार जी निरपक्ष जी मतलब पंजाब के नाल विचकरा करके पंजाब नूं थल्ले लाउणा चाहुंदी आ। तो ये सरकार भुल जाण ये सिख कौम जी आ, ये गुरु महाराज सच्चे पातशाह दी साझी हुई कौम आ, एक वक्री कौम आ। इस कौम नूं ना कोई नौला जम्मिया ते ना नवाई सकदा, ना ये नवीं ते ना निभूगी, ये सदा चढ़दी कला रहूगी। जिन चंगे तो माड़े आते रहेंदे उहदी वी कोई गल नहीं। जदों भी लोड़ पैंदी आ देश वास्ते बहुत वड्डियां कुरबानियां सिख कौम दीआं, पर सिख कौम नूं पिछे दराड़िया जांदा इहदी घट गिनती करके, पर सानूं इस चीज़ का कोई फिक्र नहीं। साडे लखां दे नाल इक इक लड़ सकदा आ, ते लड़दे रहे आ ते लड़दे रहणगे। ये सरकार भुल जावे कि उठ के चले जाणगे, जिन्ना चिर साडे बंदी सिंह साडे कौम दे हीरे बाहर नहीं आउंदे उन्ना चिर असीं डटे आ, डट के रहांगे। अंत जे सरकार सानू बिल्कुल जलील करूगी तो फिर साडा श्री साहब के हाथ भी जाऊगा। ये भी पिछे वाली गल नहीं, तो ना होई आ ते ना करनी आ। ये सच्चे पातशाह नूं हुक्म आ, पहला निवे के जुल्म का टाकरा जरूर करना, जे तो मानता कोई ठीक आ, नहीं मानता तो उस टाइम तक श्री साहब के हाथ जाऊगा, तो जो लड़ पाई जरूर चलूगी। बाबा जी भारतीय निजाम के उपर वड्डे सवालिया चिन्ह लग जाते हैं जदों कदे सत्ताहीन होंदे ने, किते ना किते लगता है कि जदों ये सत्ता विच आ जाणगे तां जिहड़े मुद्दे एक खास फिरके दे उहनां नूं हल कीता जाऊगा, पर किते ना किते जदों उहनां नूं वी सत्ता हासिल हो जाती है फिर उही सत्ताधारियां वाला रवैया वह दूजी धिर अपनाउण लग जाती है। ये दोहरी नीति क्यों नज़र आउंदी है तुहानूं?
ये नीति नहीं वेखो कौम से कोई भी हर एक वोटदार आ जां कोई वासी आ जनता आम जी सुख चाहती आ सुख का कर करके ते लीडर चाहती आ अगे लीडर तो क्या महाराज उस की कृपा होंगी आ जाके मुड़ के साढ़े लीडी तो रेंदे नहीं कोई वचन नहीं पूरा करते वो जाके मुड़ के सेंटर सरकार के थले लग जाते इस कारण का सानू नहीं समझ आती कि यह कारण क्यों तो थले क्यों लगते क्यों ये बहुत ही गल यो भी ये लोग बंदगी नहीं करते भ्रिष्टाचार आ भ्रिष्टाचार जो अं गाली ला जाने अं तो सोचते भी चंगा वा पर जो बन जाते उदो बाद पता लगता भी ये उदो भी भैड़ा वा पहले दिन तो तुसी मोर्चे दे विच डटे हुए हो मोर्चे दे विच उतरा चढ़ा आने भी सुभाविक है तो की लगता कि मोर्चे दे विच लगातार हाजरियां वास्ते जां गवर्नमेंट नूं प्रेशरलाइज करन वास्ते किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां दी लोड़ नज़र आउंदी है तुहानूं इहदे विच मैं तो चलो नहीं पर इहदे विच चीज़ दी लोड़ सानूं इह सानूं लीडर तों मार पैंदी जदों पैंदी सानूं लीडर तों मार पैंदी आ जनता पूरा साथ दिंदी आ जनता लोग घाट नहीं ना तो सेवा दी घाट आ ना पैसे की घाट आ ना अन्न पानी की घाट आ बहुत लंगर लगे मारी कृपा पर जो सानू मार पे लीडर तो पी लीडर के पता नहीं की महाराज लोग सच्चे पातशाह जानता कि समय तरह के लिखे वे लीडर ही चंगा वेख के खड़ा करते हैं तो मगरों जदों पता नहीं हो गए माया वेख के डिग पे कि सरकार का प्रेशर बन जाता और जे साडिया लत्तां पार नहीं चलदियां सानू मोर्चा नहीं लाना चाहिए जे मोर्चा लाता सानू फतह करना चाहिए ये साडी सच्चे पातशाह सानू हुक्म आ मोर्चे थोड़ा भी मोर्चा ला चुक लिया मोर्चे नहीं चुके जाते पर साडी ये बदनसीबी आ कि सानू लीडर नहीं मिलता तो मारे सच्चे पाले हाथ जोड़ते कृपा करूगा वो हूँ जो हाथ रखता है कितने रखता चल दी गल आ जाऊगी हाँ जी वाहिगुरु जी का खालसा पंधेर साहब किवें देखदे हो अज लंबे समय बाद इत्थे आए हो तो किते ना किते लगता नहीं कि मोर्चियां दे विच जिथे उतरा चढ़ा आउंदे आ ते उत्थे जदों आवाम की गैर हाजिरी आनी शुरू हो जाती है तो किते ना किते जिहड़ी लीडरशिप है उहदे उपर भी वड्डे सवालिए चिन्ह लग जाते आपां पहली गल तां मैं तां इह थोड़े दिन ही होए उद्दे भी गया इत्थों आउंदे रहिंदे उह बापू जी ने गल जमा नमेटती भी जनता वाली जे हुण मैं पिछली गल करां तुहाडे नाल अमृतपाल की जो भाई साहब की गिरफ्तारी होंगी उदों लोग आ जोड़े अकाल तख्त के जथेदार नहीं झाकी जाते एक सारा करते कि पुलिस रोक लें लोगों कि इन्हों दंगा रोक लें पर लीडरहीन बापू ने फिर उही सरबत खालसे की गल चली सी लोगों च हौसला हो गया से भी होगा तो लोग जिन्ना क मैं लोगों च विचरदा हरेक की इच्छा सी भी जावे यार चाहे कुछ हो जाए पर वो गल की है लीडरहीन फिर बिचे दब गल गई गल उत्थी आ भी जनता साथ दिंदी आ लीडरहीन तो सानू मिले आ संत जरनैल सिंह अर्गे मिले सी लीडर उस बाद आ हुण तुसीं कहो कि साहब लीडर दा साडा दा कौम दे दा देखो की कुछ निकलिया गल एक दूजे पासे कोई गल नहीं मोदी विरोधी आ सिख रहन दो पता भी विरोधी आ केजरीवाल विरोधी आ रहन दो विरोधी आ पर जिहड़े साडे बाणियां दे विच आ साडे दाड़ियां दे विच आ साडे विच आ सानू मार उत्थों पै गई दल्लिया ने मारिया हल्लिया ने नहीं मारिया उन्हां नूं इस गल दा डर तो नहीं लगता कि जिस तरीके दे नाल 15 लख दे इकट्ठ ने जथेदार साहब नूं कौम दा जथेदार थापिया जो जथेदार साहब बाहर आ जांदे ते किते उन्हां नूं इह तां नहीं कि साडे अहुदे खुस जाणगे जड़ी साडी जिहड़ी लोकां दे विच आओ भगत बनी हुई है कितने कितने वो चीज़ खुश की नज़र तो नहीं आती जे फिर गल उ आ गई टकसाल हरिमंदर साहब नहीं जाना उन्होंने रोकना बादल आ गया बिच तो उन्हें आपदी पक्षों रोकया भी आ ते आपदा उस चीज़ का लाहा लेता भी आ संतानू भी रोकया गया कौंके साहब की 13 साल रिपोर्ट दबी रखी आपदी कुर्सी के थले ये तो डरता है ही आ एक सचियां रूहां ने आना एक इतों के दल्या ने कदे उधर चल पे कदे उधर चल पे आ हुण देख लो ढींसा जी छड गया अज जी वापस आ गया की गल अज कौन मना के लेके आया इन्हों की पंथ लई करता भी जिहड़ा वापस आ गए ये बई सब कुछ ही इन्हों ठीक आ अज अमृतपाल साहब का कितों निकली जाता क्यों नहीं बोले जिहड़े आ खुसरियां हसियां हसदे आ भी दिल्ली ना जा रही तो उदे नहीं फिर बोले कारण की सी भी ये मुंडा सी ये पंथ नूं जोड़ रहा सी लोगों नूं भी ये तो हुण सार अपनियां रोटियां खत्म कर दू तो फिर सारी गलबात आपां नूं पता ही आ बई इस चीज़ का जिहड़ा हो रहा गा उहदे करके लोगों के सवाल होंगे कि जिस तरीके दे नाल जिहड़े योध्या ने कौम वास्ते वड्डियां कुरबानियां कीतियां उस वक्त के जिहड़े जालम हुक्मरान सी उन्हां नूं सोधा लाया किते ना किते ये भी सवालिया चिन्ह लगने शुरू हो जाते हैं कि उन्हां नूं छडाउण वास्ते संघर्ष किया जा रहा कौम वल्लों
पर किते ना किते नवे बंदी सिंह बनते नज़र आ रहे। ये जी देखो तुम चाहे आप पिछे तो ला लो जी कौम कुरबानिया तो देनिया ये भी साढ़े चा भी बंदी सिंह नवे ये तो बन गए। देखो ये तो जो साडे गुरु साहब चराखड़िया चढ़ गए तो साढ़े असी की चीज़ हाँ। ये तो जे तुम पंथ बच जो हूँ तक चलिया संत जरनैल सिंह कुरबानी दे गए पिछे मुंडिया ने कुरबानिया दतिया तो असी हूँ तक ना तो कड़ा पाने तो लोग डर गए सी काली लोई तो डर गए सी केसरी परने तो डरते सी ये किन्ना दी देण हवारे अरगन जिहड़े असी अज दाड़ियां छड्ड के तुरे फिरदे आ इत्थे लोकां च इन्नी भयभीत हो गई सी बुलट रखणों हट गए सी पर वो तो सानू भी पता गा भी उन्हां दा साण साडे ते बहुत वड्डा ते साडे जिहड़े लीडर फिर वो जनता की गल आ कि जनता तां खड़ी आ ये डांगा मुरे भी खड़न नूं तैयार आ ये आपदा तिणका फुणका लैके भी आई आ घरों जिन्ना कोले हैगा गा पर फिर लीडरहीन गल तो लीडरहीनती आ गई भी सानू हल्या ने नहीं सानू तो दल्या ने मारता भाई वो गुरु महाराज जी कोई कृपा करूगा हाँ की सी उन्हूं उन्ने कनू दब लेंदे आ। पंजाब विचली किसी धिर दे उपर जां जिहड़े राजसी लोक मनदे नज़र आउंदे ने दावे करदे ने रंगले पंजाब दे इन्हां दे विचों किसी तो उम्मीद की जा सकती है रंगला पंजाब बनन दी? नहीं जी रंगला नहीं अज गंधला तन तन कातल हो गए कातल हो जाते घर वर के बलात्कार हो जाते तीजे दिन बंदा मार के तुर जाते रंगला तो अज इस टाइम देसी रहा पंजाब भाई नहीं जिदी पैठ हो दिल्ली अन्नी नू ओ जरूर पंजाब नू कुछ कर सकता जिदा सारा सेरी दिल्ली के गोले झुकया वा उदो पंजाब की तुसी रंगला बनाने की आस कर दे भगवंत मान जी की गल कर दे इस टाइम जिहड़ा रंगले दंगले दी आ की इस टाइम दो ढाई साल की सरकार दे विच किहड़ा पंथक फैसला किहड़ा लोगों के हित का फैसला किहड़ा आवाम के फैसला एक भी दस दो चलो आपां कोई होनी। देखो जी गल सुनो मेरी छित्र आ कैप्टन दे खा लो बादलों के खा ले चाहे वह फर्क आ किसी की 16 नंबर जुत्ती है किसी की 12 अंगी किसी की 18 अंगी पेंदे छित्री आ ये हुण तक जिहड़ा मैं तां देखिया। तुम भी इंसाफ मोर्चे दे विच खड़े आ ते अज वड्डा इकट्ठ किते ना किते आवाम दा नज़र आ रहा है और आने वाले दिनां दे विच जां इस मोर्चे दे बारे भी वड्डियां क्यास राईयां ने कि आखिर मोर्चे दा भविख की होवेगा जिहड़ियां चुनौतियां कौम दे सामने ने उहनां चुनौतियां दा हल किस तरीके दे नाल लभिया जा सकदा है अगे भी गलबात लैके हाज़र हुंदे रहांगे। धन्यवाद।